क्वाड शिखर बैठक और चीन की धमकी क्वाड आज टोक्यो में शिखर सम्मेलन आयोजित कर रहा है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया भाग ले रहे हैं। आपको बता दें कि मोटे तौर पर क्वाड समूह को व्यापक रूप में भारत प्रशांत क्षेत्र में चीन की पहुंच और क्षेत्रीय दावों का मुकाबला करने के लिए अमेरिका के प्रयासों के हिस्से के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा शिखर बैठक में उत्तर कोरिया की परमाणु महत्वाकांक्षाएं और यूक्रेन में युद्ध भी उन मुद्दों में शामिल होने की उम्मीद है जो विचाराधीन है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार को ताइवान के संबंध में कहा था कि अगर चीन ने इस लोकतांत्रिक द्वीप पर हमला किया तो अमेरिका सैन्य हस्तक्षेप करेगा। इसके बाद ताइवान तनाव भी शिखर पर पहुंच गया है। हालांकि इस बयान पर चीन की तीखी प्रतिक्रिया के बाद व्हाइट हाउस के अधिकारी बैकफुट पर आ गए थे और कहा था कि अमेरिकी नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यह शिखर सम्मेलन बाइडेन की पहली एशिया यात्रा के अंत में होने जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनी शनिवार को चुनाव जीतने और सोमवार को शपथ ग्रहण करने के बाद क्वाड में भाग ले रहे हैं। कथित रूप से चीनी नेता शी जिनपिंग ने भी उस चुनाव में एक केंद्रीय भूमिका निभाई जो विदेशी हस्तक्षेप के आरोपों से ग्रस्त था और आंशिक रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर लड़ा गया था। चीन के साथ ऑस्ट्रेलिया के संबंध लिबरल नेशनल गठबंधन की सरकार के कार्यकाल में बिगड़ चुके हैं, जिसकी शुरुआत शी के शासन के रूप में शुरू हुई थी। 2020 में दोनों देशों के संबंधों में खटास आ गई जब ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने कोविड-19 की उत्पत्ति की जांच की मांग उठाई और चीन ने बीफ, जो बाइन और रॉक लॉबस्टर सहित तमाम ऑस्ट्रेलियाई निर्यात के खिलाफ प्रतिबंधों से इसका जवाब दिया। चीन की प्रतिक्रिया के बाद ऑस्ट्रेलिया ने खुले तौर पर रवैये को सख्त कर दिया। अब जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन एक शिखर सम्मेलन के साथ एशिया की अपनी पहली यात्रा पर अपने अंतिम पड़ाव को समाप्त करने के लिए तैयार हैं, जिसका उद्देश्य बीजिंग के विस्तार के प्रभाव का मुकाबला करना है। यह कहने की एक दिन बाद कि संयुक्त राज्य अमेरिका ताइवान की सैन्य रूप से रक्षा करने के लिए तैयार होगा यदि चीन हमला करता है। बाइडेन का बयान क्वाड की बैठकों पर हावी होना निश्चित है, क्योंकि वह दक्षिण कोरिया की अपनी 4 दिवसीय यात्रा को समाप्त करते हुए टोक्यो में क्वाड लीड समिट के हिस्से के रूप में जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं के साथ व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए तैयार है। उधर चीनी सरकार के प्रवक्ता ने बाइडेन की बयानबाजी पर तीखी चेतावनी जारी की है और राष्ट्रपति बाइडेन के शीर्ष सैन्य अधिकारियों को बैकफुट पर आने पर मजबूर होना पड़ा है। सोमवार को ताइवान के प्रति अमेरिकी रणनीति के राष्ट्रपति का बयान बाद में व्हाइट हाउस ने हटा लिया है। मोटे तौर पर राष्ट्रपति बनने के बाद से ही जो बाइडेन की एशिया की पहली यात्रा विश्व शक्ति रूप में चीन के बढ़ते प्रभाव के बारे में चेतावनी है। हालांकि वन चाइना नीति के तहत अमेरिका चीन की स्थिति को स्वीकार करता है कि ताइवान चीन का हिस्सा है, लेकिन कभी भी आधिकारिक तौर पर 23 मिलियन के स्वशासित द्वीप पर बीजिंग के दावे को मान्यता नहीं दी है। देखना यह होगा कि क्वाड की बैठक में भविष्य की स्थिति को लेकर क्या रणनीति बनती है।